नमस्कार जी, ओम शांति ओम शांति। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 8, जिन व्यक्तियों का अगर जन्म की तारीख 8/7, 8 तारीख, 17 तारीख या अगर 26 तारीख हुआ है तो मूलांक 8 से रूल करते हैं। और 8 नंबर के लिए आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, काफी सारे यूट्यूब में वीडियो है, बट 8 नंबर का आज आपको वो राज और वो सक्सेस, अगर आप 8, 17 या 26 के अगर जन्म लिए हैं तो आपको जीवन में कैसे सक्सेस होना, क्या आपके लाइफ में स्ट्रगल हो रही है या आपके काम नहीं बन रहे हैं या आपके बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, या आपको लगता होगा कि सर काफी सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेबोरियस बन रहा हूँ। लोग बोलते हैं सर बिल्कुल एकदम गधे की तरह मेहनत कर रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसे भी लोग बोलते हैं, कॉमेंट में करते हैं कि सर इतना करता हूँ ना पूरा लाइफ निकल गया हूँ, एज हमारी होगी फिर भी जीवन में सक्सेस नहीं मिला। तो कैसे सक्सेस मिलेगी और किस कारण से सफलता नहीं मिलती है, जो आज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन बातों को अगर समझ लेंगे, और नंबर 8 जो होता है ना, बोलते हैं ना मूलांक 8 जो होता है, जिसका जन्मांक 8 होता है या आपका ड्राइवर इसे बोलते हैं, अगर जिन लोगों का 8 नंबर आता है या इवन अगर आपका भाग्यांक भी 8 आता है, नंबर 8 आता है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको रहस्य और वो आपको कहीं के कुछ ऐसे ट्रिक और रेमेडीज आपको दूंगा। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा जानकारी और आपके काम के जितने भी नंबर 8 वाले हैं आप लोगों को शेयर भी कीजिएगा और समझिएगा। बात करते हैं नंबर 8। अब 8 नंबर होता क्या है आप सभी जानते होंगे, शनि का है। अब शनि क्या होता है, सैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी जिस शनि एक ऐसा ग्रह है ना जिसको हम बोलते हैं कि स्लो मूवमेंट प्लैनेट, शनि जो काम करती है ना हर चीजों को बहुत ही स्लो तरीके से काम करती है। अब इसका काम क्या होता है कि हर काम को बिल्कुल स्लो में करना, क्यों, क्योंकि जब हमारे सौर मंडल के अंदर ये होता ना, जब प्लैनेट जब सूर्य का जो चक्र लगाता है ना तो सबसे स्लो यही घूमता है, और प्लैनेट्स तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग घूमते हैं बट इनका काम स्लो है। अब अगर ग्रहों के हिसाब से देखें तो शनि को बोलते हैं ना कि शनि का किसी का 2.5 चलता है, 7.5 चलता है, और शनि जो है ना 1.5 गोड़ वाले बोलते हैं कि एक पैर नहीं 1.5 पैर से लंगड़ा के चलते हैं। तो जो व्यक्ति अगर लंगड़ा के चलता है तो कहीं कि धीरे धीरे चलेगा। अब तीसरा समझिएगा कि शनि का और क्या है, यहां तक भी मान्यता है। अब तीसरा जो शनि का जो क्वालिटी है उसे हम बोलते हैं कर्म के दाता, हम जज बोलते हैं, वो हमारे कर्मा को जज करने वाला। अब जो व्यक्ति अगर आपके कर्म को जज करता है, आपके कर्म को जज करता है, तो समझिए कि उसके पास आपके हर हिसाब किताब, आपने अच्छा किया या बुरा किया, आपके कर्म के अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट देते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का 7.5 चल रहा है या 2.5 चल रहा है, और उस समय आप बोलते हैं कि सर हमारी कोई रेमेडीज उपाय बताओ, तो वहां पे समझ लिए कि रेमेडीज काम नहीं करेगी, वहां पे आपका काम क्या करेगा, आपका कर्मा, कितना भी कुछ भी पहन लो, लाग स्टोन ब्रासलेट क्रिस्टल कुछ भी पहन लो, काम नहीं करेगा। वहां पे आपका सबसे ज्यादा रामबन आपके लिए आपका कर्मा, क्योंकि कहावत है ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करेगी तस फल चाखा, रामायण का तो कर्म सबसे मेन प्रधान है। लेकिन बात आती है कि लोग, काफी लोग भी बोलते हैं सर कर्म तो जरूरी है, मैं भी बोलता हूँ कि कर्म करना जरूरी है, और 8 नंबर वाले हैं तो हम लोग का जन्म भी उसी लिए हुआ है कि कर्म करना, लेकिन कर्म कैसा करना है, कर्म की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, और कर्म बोलते हैं कि सही डायरेक्शन में यानी कि सही दिशा में किया गया कर्म जो है आपके जीवन में मान सम्मान और सफलता देगा। तो नंबर 8 जो होता है ना ये क्या है, अब इसका जो परत जो देखते हैं ना, जो सौर मंडल के अंदर जो होता है ना, जो बहुत ही मैला कलर का इसका जो देखते हैं एकदम मिट्टी कलर का इसका जो परत होता है उसके ऊपर लगता है कि बिल्कुल एकदम डस्ट भरा हुआ है देखने में लगेगा, बट जब उसे साफ करेंगे तो कुछ और ही दिखेगा। अब शनि जो होता है ना बोलते हैं कोर्ट के अंदर आप जाते होंगे तो जज होते हैं, वकील होते हैं, हम लोग वकील के पास भी झूठ बोलते हैं, कहीं के जज के पास भी सफाई दे देते हैं, वो भी हमें सही और गलत नहीं होता, फिर भी जो फैसला होता है हमारे झूठ के अनुसार भी दे देते हैं। लेकिन शनि एक ऐसे जज है ना को आपको झूठ के फैसला या सच का नहीं, जो रियल रहेगा वही मिलेगा, और उसका रिजल्ट जो होता है ना इतना बेहतरीन मिलेगा, अच्छे किए तो अच्छे और बुरे किए तो बुरे। तो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप जो 8 नंबर के हैं, आपकी जन्म तारीख कुछ भी हो, आप देखिए क्या आप जो कर्म कर रहे हैं वो सही, कभी कभार आपको लगता होगा कि गलत कर्म करते हुए जीवन में अगर सक्सेस है, लेकिन फिर
उसका रिजल्ट भी एक दिन मिलना है, और रिजल्ट मिलता है तो शनि डाउन में लाता। अब बात करेंगे सर, आप बोल रहे हो सर आपने बहुत कुछ बता दिया, मेन चीज अब पर आते हैं कि शनि और क्या करता है। शनि क्या है ना, नंबर 8 जो है ना, हार्ड वर्क करवाता है, अपार सफलता दिलाने के लिए है आपको हार्ड वर्क करा। अब बोलते हैं शनि जो है ना, शनि को मनी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं शनि इज मनी। शनि क्या है, पैसा, और पैसा का नंबर भी कहा गया। मतलब लोग लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि खेलते हैं तो शनि को ही ज्यादा प्रधानता है, क्योंकि सबका कारक ग्रह शनि। कर्ज भी दिलाते हैं और आपको रातों रात करोड़पति बनाते हैं, इस शनि महाराज है। साथ में राहु की भी प्रधानता होती है, और अभी का जो समय जो है ना, कलयुग जो चल रहा है, ये खास करके शनि और राहु के जो है ना, सबसे ज्यादा यही दोनों ग्रह का अभी समय चल रहा है। जिन व्यक्तियों का शनि और राहु अगर मजबूत कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सारे ग्रह आपके सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जिनका शनि अगर खराब है, आप देखेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर तो आ रहा है, बट क्या डायरेक्ट में आ रहा है या इनडायरेक्ट में आ रहा है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर नहीं, आपको मूलांक भी जोड़ने से आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर नहीं, आपके भाग्यांक जोड़ने से आ रहा है। लेकिन क्या पता है इसके बारे में, मूलांक और भाग्यांक, मूल यानी कि मेन, हमारा जो बेस जो होता है, जड़ होता है, जिसको बोलते हैं मूलाधार। अब भाग्यांक यानी आपके भाग्य को बदलने वाला, और जिन व्यक्तियों का अगर भाग्यांक भी 8 आता है ना, तो वो अपने भाग्य को बदल सकते। इस पर एक बहुत सुंदर वीडियो बताऊंगा कि अपने भाग्यांक से अपने भाग्य को कैसे बदल सकते, और भाग्यांक आपके जीवन में क्या देता है। काफी लोगों के 8 और 8 भी कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे 4 और 4 होता है, काफी लोग होता है ना, आगे भी राहु पीछे भी राहु, 4 और 4 का होता है, वैसे ही 8 का भी होता है। और अगर आपको मूलांक के साथ भाग्यांक कुछ और है तो भी आपके जीवन में। अब शनि को क्या है कि राजा, और जे लेकिन बोलते हैं ना कि जैसे राजा तो बन रहे, तो राजा बनना कैसे है, इस कलयुग में जो है ना, शनि ही राजा है और वो राजा ही रहेगा। तो इन लोगों के जीवन बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है, शनि जो होते हैं, और वैसे लोग जो होता है ना, बोलते हैं कि जब हार्डवर्क करते हैं तो जीवन में जो है ना, गुड रिजल्ट, गुड नहीं, वेरी गुड रिजल्ट उनको मिलता है। और ऐसे लोग जो है ना, ह्यूमैनिटेरियन वाले तो हों, थोड़ा धार्मिक नेचर के होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, लोगों को कल्याण करना चाहते हैं, लोगों के लिए अच्छा करने वाला भी होते हैं, इनके अंदर ये भी क्वालिटी होते हैं। और ऐसे लोग होते हैं ना कि कोई काम को अगर कमिटमेंट कर दिए, वादे के पक्के होते हैं, नंबर 8 वाले। इनको नंबर 8 को, और अगर आप रूल करना है तो सबसे मजे वाली बात अब समझिएगा, अगर आपका मूलांक 8 है, भाग्यांक भी 8 है, या भाग्यांक कुछ भी है, तो एक बात समझिएगा कि आपके लाइफ में 8 और 4 नंबर ईच एंड एवरीवेयर होगा, हर जगह आपको दिखता होगा और हर जगह यूज करते हैं। अब कैसे, सबसे पहले आप देखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% आपको मिले। आप अपने मोबाइल का नंबर देखो, कहीं ना कहीं 4 और 8 नंबर होगा, पक्के तौर पर होगा। मोबाइल के 10 डिजिट्स के अंदर 4 और 8 नंबर, या हो सके 888 888 भी आ जाए, या मोबाइल नंबर के लास्ट में भी आ सकता है, या बीच में 4 और 8 आ सकता है। अगर यहाँ पे अगर आपको इनकेस नहीं मिलता है, तो टोटल मोबाइल नंबर का 10 डिजिट्स को आप टोटल ऐड कीजिएगा, वहां पे भी आपको 8 नंबर आओ। 8 कैसे आ जाए, हो सके आपका 53 है या 44 है, उसको सिंगली जब जोड़ेंगे तो अगेन 8 नंबर आएगा। आप मोबाइल यूज करते हैं ना, काफी लोग मोबाइल में पैटर्न लोग डालते हैं, पासवर्ड, अगर आपने मोबाइल में पासवर्ड डाला है तो देखिए वो पासवर्ड का नंबर क्या, कहीं 48 नंबर बार बार तो यूज नहीं कर रहे, और यकीन माने कहीं कहीं शायद होना चाहिए। और टोटल अगर पासवर्ड को भी जोड़ेंगे तो शायद वहां पे 48 आना चाहिए। आपका अकाउंट का नंबर, आपके पैन कार्ड के नंबर, इवन आपका जो ATM अगर पासवर्ड यूज करते हैं तो वहां पे भी आपके नंबर में 4 और 8 हो सकते हैं, आपके गाड़ी के नंबर में हो सकते हैं, आपका जिस मकान में रहते हैं हाउस नंबर में हो सकते हैं, इवन अगर आप जॉब करने वाले तो जॉब में भी हो सकते हैं, या आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको 8 नंबर 8 लाख 8 हजार 8 नंबर आपसे जुड़े होते हैं। यहाँ के साथ साथ और भी आप देखेंगे, आपके फैमिली मेंबर में आप जो भी हैं, 4 और 8 नंबर वाले फैमिली मेंबर में 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जिस घर में जन्म लिए, क्योंकि 8 नंबर जो होता है हमारे कर्म का नंबर होता है, बोलते हैं कि 8 नंबर हमारे पिछले जन्मों से संबंध रखता है। इसमें वीडियो में लिंक दे दूंगा, हमारा जो वीडियो आप जरूर देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है, कि 8 नंबर जो है पास्ट जन्मों से संबंध रखता है, और वो कैसे रखता है अभी इसमें बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसमें ऑलरेडी बना हुआ पूरे डिटेल्स में समझाया। तो 8 नंबर को आप जिस दिन समझ जाएंगे ना, और अगर ये सारे नंबर आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, दिख रहे हैं, गाड़ी के नंबर आपको 88 दिख रहा है, या आपको 444 नंबर दिख रहा है, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। और 8 नंबर वाले हैं फिर भी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी अगर जीवन में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो आपको अब देखना है कि आपका नेम, आपका नाम,
जो भी आपके पेरेंट्स ने आपके नाम रखे हैं, क्या आपका नाम आपके मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग सही है? अगर नहीं है तो उस नेम के अंदर करेक्शन करने की जरूरत है। और उस नियम को कहीं भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट से भी नहीं चेंज किया जाता है, कोई आधार कार्ड पैन कार्ड में नहीं करना, उसको करेक्शन कराना होता है, वो चीजें आपको कराने पड़ेगा। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर इतना अच्छा होना चाहिए कि उसके अंदर जो सारे पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति आपको अगर कॉल करता है ना, तो नंबर देखते ही साथ लगता है अरे कितना जल्दी से छुटकारा मिल जाए, अच्छा नहीं लगता होगा। किसी नंबर देख के आपको निगेटिव वाइब्स होता है, और कुछ वैसे नंबर्स होते हैं देखते हैं लगता है किससे बातचीत कर, देखने लगता है अरे नंबर कितना अच्छा था। तो क्यों ना आप भी अपने नंबर को चेंज करें, एक लकी नंबर बना, एक सक्सेस नंबर बना जो आपके जीवन में अपार सफलता दे सकता है। दूसरा, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग नंबर है, उस मिसिंग नंबर के अकॉर्डिंग अपने मोबाइल नंबर को बनाए। तो अपना नेम को करेक्ट करने की जरूरत है, अपने मोबाइल नंबर को, ये दोनों को बैलेंस करना। इसके साथ साथ जो आपका जो रेमेडीज होता है उस उपाय को करना। अब उस उपाय में आपको और बताऊंगा कि आगे और क्या करना, और उम्मीद करता हूं कि अगर हमारे इन बातों से रिलेट किए तो कॉमेंट करके जरूर बना, जरूर बताना। और अगर आप अपने लाइफ में चेंजिंग चाहते हैं, आप देखिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या आपका सक्सेस नंबर मालूम है, वो सक्सेस नंबर क्या, बोलते हैं कि लकी नंबर तो होता है, लकी हम कभी कभार हो सकते हैं, लेकिन सक्सेस जो है ना हम हमेशा हो सकते हैं। लक कभी कभी फेवर करता है, लेकिन सक्सेस सफलता जो है ना हमेशा जीवन में ऊपर ही लेके जाता है। तो सफलता के नंबर आपके जीवन में क्या है आपको शायद नहीं मालूम, अगर मालूम है तो उसे यूज करना, और नहीं तो आप चाहें तो आप हमारे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं आपके नेम की ऐसी डिजाइन करूंगा, आपके पास कितनी भी बड़ी लोन की लाइबिलिटी हो, हेल्थ इश्यू हो, या आपके घर के वास्तु प्रॉब्लम हो, या आपके मैरिड लाइफ समस्या हो, या आपके इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छे नहीं हो, कैसी भी समस्या हो, आप जी हाँ बेझिझक आप कॉन्टेक्ट करें जो हमारे नंबर दिया है, आपको ऐसी रेमेडीज और ऐसे आपके नेम और मोबाइल नंबर का डिजाइन बना के दूंगा आपको कि आप जीवन में अगर इन उपायों को करेंगे तो विद इन थ्री महीना होते हो तो बोलते हैं कि 90 डेज में आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी। आप अजमा के देखना, और अभी तक हमारे से काफी सारों हजारों लोगों ने इस रेमेडीज को अपनाया है और अपने नियम को बैलेंस किया। अब इसके साथ बात करते हैं कि नंबर 8 को और कैसे समझेंगे डीप में। आप बोलेंगे सर चलो ये भी कर लिया, काफी लोगों ने नियम के अंदर करेक्शन कराया था, बट ये पता नहीं है कि नियम का आपका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नेम और टोटल नेम एक्यूरेट होना चाहिए, उसके साथ उसका काउंटिंग भी एक्यूरेट होना चाहिए, तो आपका नेम सही होगा। काफी लोग आपने YouTube में वीडियो देख के अपने खुद से नेम करेक्शन कर लेते हैं, बट वो पता ही नहीं कि आपके लिए नुकसान है। बोलते हैं कि एक मेडिसिन, एक जन दुकानदार जो दवा बेचते हैं मेडिकल दुकान वाले, और एक डॉक्टर, दोनों में डिफरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका इलाज सही होगा, और आप अगर जब दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा कंसल्टेंसी फी बहुत ज़्यादा नहीं है, 4100 रुपये है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर जिन लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप चाहते हैं कि लाइफ में आप सीरियस हैं, लाइफ को बदलना है, तो आपको आने की जरूरत है। अगर काफी लोग बोलते हैं सर हमारे पास बजट नहीं है, आप सोचो ना अगर मेडिकल इशू आते हैं तो आप 50,000 रुपये आप जुगाड़ कर सकते हैं, लाइफ आपकी बदलना आपको है, और आपके लिए दरवाजा खुला है, और परमात्मा की कृपा से मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लाइफ में चेंजिंग आ। और जितने भी नंबर 8 वाले हैं, हमारा भी भाग्यांक 8 है, मैं भी 8 नंबर से रूल करता हूं, और नंबर 8 जीवन में, और मैं अपनी लाइफ बताता हूं, हमारा 1 और 8 कॉम्बिनेशन होता है, जीवन में जो काम नहीं करना पड़ा वो भी काम किया, इतनी बड़ी स्ट्रगल तकलीफ लाइफ में है। लेकिन नंबर को कैसे बैलेंस करना है, कैसे लाइफ में चेंजिंग लाना है और लाइफ को बदलना है, ये मैंने इस साइंस से सीखा है। और साथ ही साथ मैं जब इसका हमारा क्लास चलता है तो आप चाहें तो न्यूमरोलॉजी का क्लास भी सीख सकते हैं, और इससे भी अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। क्या आपको लगता है एक छोटे से गांव से, एक छोटे से शहर से बिलोंग करने वाला व्यक्ति भी बड़े शहर में और बहुत बड़ा कुछ कर सकता है? यह नंबर की पावर। तो बोलते हैं कि पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी, अगर आप इसको यूज करेंगे, पावर ऑफ नेम, पावर ऑफ मोबाइल नंबर, पावर ऑफ रेमेडीज, आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। आप करके देखना, यकीन मानना आपने बहुत जगह किया होगा। आप जो मैं आपको उपाय बताऊंगा उस उपाय को करना, और डिटेल्स के लिए आप कॉन्टेक्ट जरूर करना, आपके लाइफ में चेंजिंग 100% नहीं 200% आएगी। अब 8 नंबर और हमें जीवन में क्या देता है। नंबर 8 जो होता है ना, बोलते हैं कि 8 नंबर वाला होता है कि अगर कोई काम कर रहे हैं कुछ वैसा जगह फंस गए और नंबर वाले निकल जाएंगे, 8 नंबर वाले फंस गए, कुछ न कुछ इलीगल इशू में फंस जाए, कोर्ट कचहरी चक्कर में फंस जाए, क्योंकि इनका लक फैक्टर जो है ना थोड़ा वीक होता है,
दूसरा आपके साथ वाला जो है ना, कुछ अगर किसी के साथ जा रहे हैं, कोई सा गलत काम कर दिया, कोई शॉर्टकट रास्ता बना लिया, कुछ आपको मालूम नहीं वो काम कर दिया, पता चलेगा वो फोड़ निकल गया और आप वहीं फंस गए, क्योंकि नंबर 8 वाले के लक फेवर नहीं करता वहां, वहां पे थोड़ा मार कर जाते हैं, चिट कर जाते हैं और वहां पे आप सोल्व नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपके जीवन में भी जो है ना तकलीफें होती है, और इसी वजह से हर काम आपको धीरे होता है। एक और चीज आप समझिएगा, नंबर 8 के लाइफ में क्या है ना, कोई भी काम वन टाइम में नहीं होता होगा, शायद आप आजमाए होंगे, आपके हर काम दूसरा बार में या तीसरा बार में होता है, सेकंड टाइम या थ्री टाइम से नहीं होता होगा, वन टाइम में काम नहीं होगा। कभी कभी लगता होगा सर मेरा काम तो बिल्कुल बना हुआ काम बिगड़ जाता, एकदम द एंड पर उस काम स्टॉप हो जाता। क्यों होता है? क्योंकि वो चीजें जो मिलना चाहिए वहां पे नहीं मिल पाया, क्योंकि नंबर 8 जो वहां पे फेवर नहीं कर पाता। अब नंबर 8 और क्या देता है, नंबर 8 जो होता है ना कि अगर देखा जाए कि नंबर 8 वाले हैं ना, तो किसी को वादा करते हैं तो उसको निभाते हैं। नंबर 8 का मतलब कि जो शनि का प्लानेट है ना, जो सूर्य के अराउंड होता है ना, सूर्य के अराउंड बिल्कुल स्लो घूमते रहता है, सूर्य प्लानेट देख रहे हो, उसी के नीचे सैटर्न घूमते रहता है, इसका काम वहीं पे। लेकिन बोलते हैं कि लेकिन दूसरा जो प्लानेट्स जो होते हैं उसके साथ जाने और एडवांटेज भी है कि और जो दूसरे प्लानेट्स जो होते हैं वो भी इनके चक्कर धीरे धीरे करते हैं, स्लो कर देता है। बट बोलते हैं कि इसके साथ और भी होता है, ये सोच के देखिए, जब भी आप सोचेंगे कि शनि जो है ना ये कितना ऑब्जेक्टिव होता है, कितना ऑब्जेक्ट होता है, और ऐसे जो पीपल जो 8 नंबर से रूल करते हैं, 8 नंबर से गवर्न करते हैं, बोलते हैं ना कि दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव, और इनकी जो पर्सनालिटी जो होती है ना बिल्कुल और लोगों से एकदम, इनका ब्रेन तेज होता है, इनका माइंड जो होता है ना बिल्कुल एकदम डिटेल्स पे जाके, चीज़ों को डिटेल्स में जाना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना, इनके अंदर क्वालिटी भी आती है। नंबर 8 होते हैं, चाहे तो किसी से भी दोस्ती कर सकते हो, साधु हो, सन्यासी हो, गुंडा हो, मवाली हो या पुलिस हो, इनकी हर किसी से अगर काम निकालने पे आते हैं तो हर किसी से अपना काम निकाल सकते हैं। कोई भी काम को इनको एग्जीक्यूट करने में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देकर ही आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप उन छोटे चीजों को नहीं देंगे ना, आपको लगे सर इससे कुछ नहीं होता, अरे भाई मेरे बहुत कुछ होता है। आप समझो, समझना, आप 8 नंबर के हो, 3 नंबर ऑफ 6 नंबर जैसे नहीं हो, लोग मानते नहीं है, आप 8 नंबर हो। हम सबके पास्ट कर्मा है और अपने कर्मा को सही करना, इसको बोलते हैं डेप्थ नंबर, कार्मिक नंबर है 8 नंबर जो है ना, कार्मिक नंबर है, और कार्मिक यानी कि हमारा कर्म जुड़ा हुआ, और कर्म किससे जुड़ा हुआ, पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे कर्म कैसे सही करना, आप कहीं भी जाते हो ना, किसी भी गरीब व्यक्ति को 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो मिलता है उसको डोनेट कर देना, टेम्पल में जब कहीं जाते हो, बाहर मंदिर से बाहर निकले, कुछ ना कुछ जरूर दें, ये अपने यथाशक्ति संभव जो आपका उसी के अनुसार दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100 200 500 लाख आपको देना, जो आप पे शक्ति वो देना, बट एक देना है, कहीं ना कहीं देना। और शनिवार के दिन करें, शनि का मंत्र जाप करें, और आपकी जो मूलांग भाग्यांक उसके अकॉर्डिंग आप अपने इष्ट देव को जरूर पकड़े, क्योंकि जो आपका इष्ट है, जो आपके ब्लेसिंग है, जो आप परमात्मा आपको मार्ग दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको जीवन में सक्सेस दिलाना चाहते हैं, उस इष्ट देव को पकड़ो, और अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जान सकते हैं इष्ट देव आपके लिए कौन सा है। एक कैलकुलेशन भी हमारा, वो वीडियो भी आपको लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देखना, या हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब साथ साथ नंबर 8 जो होता है ना, थोड़ी सी और चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है, 2 से 3 मिनट और आप बर्दाश्त कीजिएगा। ऐसे लोग जो है ना कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज माइंड में हो जाते हैं और स्लो स्टडी होता है, लेकिन अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। डिसीजन लेने में इनको दिक्कत होती है, लेकिन इनका जो मंजिल होता है, जो एम होता है, वहाँ पे अचीव कर पाते हैं। और मूलांक भाग्यांक में जब आपका भाग्य आता है ना, भाग्यांक यानी भाग्यांक का जब समय आता है, तो जीवन में आपको बहुत कुछ देता है। इन लोगों को जो बोलते हैं कि एक जगह बहुत काम करता है, बोलते हैं कि जो लक जो है ना, एक जगह बहुत काम करता है, आपका जो लक है, आप किसी जगह पर एक काम में टिक गए तो वहां पर लक आपको काम करेगा, उसी काम में टिके रहो, फिर काम को फ्लक्चुएट नहीं करते रहना, और वो होता है आपका स्टेट माइंड, बोलते हैं कि स्टेट माइंड को साथ काम करना। अब बोलते हैं कि अगर आप अर्थ से जुड़े हुए हैं, बोलते हैं 8 नंबर वाले जमीन से जुड़े लोग होते हैं, और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 8 1 6 नंबर आता है, प्रैक्टिकल एंड कंप्लीट है, तो व्यक्ति जमीनी स्तर से काम, लोग बोलते हैं हवा में बात नहीं करते, प्रैक्टिकल होते हैं, और इनका फ्रेंड सर्किल बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ी होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं, इनके अच्छे सर्किल होती है, क्योंकि इनको हर चीज़ में एनालिसिस करना होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ इनको निकालना है। कोई भी प्रोजेक्ट को कभी भी आधा अधूरा आपको नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि आधा छोड़ते हैं तो गड़बड़ होता है।
रेमेडीज में, और आपको क्या करना, कोशिश करें कि जो भी आप अर्न करते हैं उसमें से एक हिस्सा गरीबों को जरूर दें। अगर आपने 10,000 रुपये कमाया ना तो 100 रुपया ही दें, एक हिस्सा जरूर दें। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है और कम, लेकिन जरूर दें। दूसरा होता है कि अपने बोलते हैं कि नेवर गेवर, जो भी डाउन सोसाइटी है उनके साथ आपको नेगोशिएट ना करें, यानी कि जिस समाज में जहाँ पे भी रह रहे हैं उनकी हेल्प करें, उसको बदनाम ना करें, और कोशिश करें कि अपने से बड़े बुजुर्ग को, जो ओल्ड एज के लोग हैं, या हॉस्पिटल में जाकर उनको मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं, या जो ब्लाइंड लोग हैं उनकी आप सहारा बन सकते हैं। तो कोशिश करना है, या आप कहीं होटल में रेस्टोरेंट में जाते हैं जो हम सबको खाना खिलाता है, सर्व करता है, उस वेटर को भी जो भी आपसे बन पता है वहां पे आपको सेवा करना है, क्योंकि चैरिटी का आपको काम करना है। जितना ज्यादा दिल से, एक भावना से आप देंगे, उतना ज्यादा आपके लिए परमात्मा की ब्लेसिंग रहेगी। और साथ ही साथ एक और रामबाया 8 नंबर वाले हैं, तो आपको क्या करना है, एवरी वेडनेसडे को आपको क्या आना है, कैबेज पत्ता गोभी 4 चाकू ले, उसे बीच में काटे, फिर कट लगाए, प्लस का निशान करें, और डेली आपको हर बुधवार को 1.25 kg पत्ता गोभी, जिसको कैबेज बोलते हैं, आपको गौ माता को खिलाना, खिलाने के बाद अपने हाथ को उनके सर के ऊपर फेरना है, क्योंकि गाय के अंदर एक हाई पॉजिटिव एनर्जी होती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में लेना। उम्मीद करता हूँ हमारे बात आपको समझ में आएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। काफ़ी लोगों को वीडियो तो देखते बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अपने भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सहयोग की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारे चैनल भी ग्रो होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा और भी मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ, ताकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन होगा। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द और बहुत सारे लोगों को जीवन में कल्याण, जितने भी हमारे 8 नंबर के भाई बहन हैं, उन सभी के जीवन में बदलाव आए, और जितने दूर दूर तक वीडियो को आपको वायरल करना है, अपने लोगों को शेयर भी करना। धन्यवाद जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।